नोटबंदी के 3 साल पूरा होने पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नोटबंदी की बीमारियों का शर्तिया इलाज धराशायी हो गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि नोटबंदी एक आपदा थी जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट कर दी गई। इस तुगलकी कदम की जिम्मेदारी अब कौन लेगा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि फैसले से किसान, युवा और रोजगार सब प्रभावित हुए थे। मैंने पहले दिन ही कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था और लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी। ममता ने कहा कि आज विशेषज्ञ भी नोटबंदी के नुकसान को मान रहे हैं। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा बिना पूरी तैयारी के जल्दबाजी में किए गए नोटबंदी के दुष्परिणाम पिछले 3 सालों से सामने आ रहे हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी और बिगड़ती आर्थिक स्थिति इसी का मुख्य कारण है, जिस पर जनता की पैनी नजर है। बता दें कि पीएम मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद देश में अफरा तफरी जैसा माहौल था। बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी थी। विपक्ष ने इसे इमरजेंसी करार दिया था। सरकार ने ऐलान करते हुए कहा था कि देश में मौजूद काले धन और नकली मुद्रा की समस्या को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया था तो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद 500 के नए नोट और 2000 रुपए के नोट जारी किए गए। SPN 9 न्यूज़ रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।